फिर से स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, जो 2 अक्टूबर 2019 से संचालित है। योजना में आम जनता की समस्या सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, वहीं उनके नाम से संचालित वार्ड कार्यालय के माध्यम से पहुंच और उनका समाधान हो सके। ये योजना किस तरह से काम कर रहा है और इसका कितना लाभ लोगों को मिल रहा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय का यह नजारा राजधानी रायपुर का है। रायपुर की तरह ही प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में ये वार्ड कार्यालय खोले जा रहे हैं। पहले चरण में प्रदेश के 13 नगर निगमों में इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना का उद्देश्य नागरिक सेवाओं की तत्काल उपलब्धता और लोगों को उनकी मांगों के अनुरूप सुविधा मुहैया करवाना है। इन कार्यालयों के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट, सड़क रखरखाव, नालियों की सफाई और जल आपूर्ति संबंधी शिकायतों का समय सीमा में निराकरण किया जा रहा है। इन कार्यालयों में लोगों को नवीन व्यापार लाइसेंस, लाइसेंस नवीकरणीय, संपत्ति कर, जल कर, समेकित कर के भुगतान और सामुदायिक भवन के आरक्षण जैसी नागरिक सुविधाएं भी मिलेगी। वार्ड कार्यालय के पोर्टल का भी शुभारम्भ किया गया है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है। आइए आपको इस योजना की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय शहरी निकायों के विभिन्न वार्डों में रहने वाले लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए यह स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेगा। स्वच्छता और जल आपूर्ति की समस्याओं का निराकरण, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, गैर कामकाजी स्ट्रीट लाइट के साथ साथ सामुदायिक भवनों का आरक्षण, लाइसेंस और कर संबंधी कार्य आदि एक ही छत के नीचे किए जाएंगे। जिला प्रशासन इस योजना से लाभान्वित होने वाली मलिन बस्तियों की पहचान भी करेगा। वार्ड कार्यालय में निकाय से संबंधित समस्त आवेदन स्वीकार किए जाएंगे एवं तत्काल संबंधित पोर्टल में एंट्री भी की जाएगी। वार्ड कार्यालय में नागरिक संपत्ति कर का स्वनिर्धारण, विभिन्न करों एवं उपभोक्ता शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। वार्ड कार्यालय में राज्य शासन एवं निकाय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं समसामयिक विषयों जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि की जानकारी प्रदान की जाएगी। वार्ड कार्यालय में निकाय द्वारा जारी किए जाने वाले दुकान पंजीयन, भवन अनुज्ञा, विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र, शासन की लाभकारी योजना तथा अन्य आवेदन आदि प्राप्त कर उनका निराकरण निर्धारित समय सीमा में किया जाएगा तथा अनुज्ञा अनुमति पत्र वार्ड कार्यालयों के माध्यम से वार्ड में भी वितरित किए जाएंगे। नागरिकों को सुविधाएं लोक सेवा गारंटी नियम सिटीजन चार्टर में नियम समय सीमा में प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ आम लोग कैसे ले रहे हैं, किस तरह से इसका संचालन हो रहा है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, उद्देश्य ये है कि लोगों को तत्काल इसका वो मिल जाए, लाभ मिल जाए। अब हम लोग जोन में जाते हैं तो वहाँ पर अधिकारी रहता नहीं रहता या फिर वो कहीं फील्ड में रहता, मगर हम ऐसा है वो करेंगे जिसमें अगर आदमी वहाँ पर लगातार एक उन्हीं के लिए आदमी डुबोड़ रहे, अगर आदमी जाए तो तुरंत उसका काम हो जाए, मतलब उसको बार 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 घूमना ना पड़े। वार्ड कर ले, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही मंशा है कि आदमी जब आए तो एक बार में उसका काम हो जाए। हम लोगों की भी मंशा यही है और हम लोग इसको बराबर अभी रिवाइज भी करवा रहे हैं और 2-3 महीने में आप देखेंगे पूरे 70 वार्ड में कार्यालय खुल जाएंगे जहाँ पर लगातार काम होंगे। माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री बनने के उपरांत जो आम लोगों की प्रमुख समस्या थी उसको दृष्टिगत रखते हुए आपकी सरकार आपके द्वार की तर्ज पर हर वार्डों में वार्ड कार्यालय खोलने का निर्णय लिया। न केवल कार्यालय में शिकायत दर्ज होगी बल्कि SMS के माध्यम से उन शिकायतों के निराकरण के बाद प्रॉपर उस व्यक्ति को SMS जाएगा कि आपने ये समस्या बताई थी, इसका ये निराकरण इतने 24 घंटे के अंदर कर ली गई है। छोटे छोटे काम के लिए क्या होता था कि हमारे पास ऑथोरिटी नहीं है कि हर काम को हम अपने लेवल पर करके देते, तो जब अधिकारी वार्ड पर आकर बैठ रहे हैं और वार्ड में ही बैठ के वार्ड की समस्या को देख रहे हैं तो काम ज्यादा जल्दी होगा। ये एक प्रकार का डिसेंट्रलाइजेशन है। पहले हमने मुख्यालय से जोन बनाया डिसेंट्रलाइज करने के लिए, अब जोन से वार्ड कार्यालय में आ गए हैं तो लोगों के बीच में जब अधिकारी पहुंचता है और पार्षद तो है ही, तो मिलकर अगर काम करते हैं तो काम ज्यादा तेजी से होता है।
वास्तव में भूपेश सरकार की सोच, उनकी कार्य योजनाओं को देखकर लगता है कि नया छत्तीसगढ़ गढ़ने का सपना जल्द ही साकार हो जाएगा। राज्य की जनता के लिए जनहितेशी सरकार लगातार सौगाते देती जा रही है, हर जरूरत मांग को पूरी करती जा रही है। सहयोगी सत्यपाल सिंह के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।